आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ 4 डीएनए फ्रेगमेंट्स पी क्यू आर एंड एस इज सच दैट पी इज स्मॉलर देन क्यू एंड क्यू इज स्मॉलर देन आर एंड आर इज ग्रेटर देन एस। व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द 4 गिवन फ्रेगमेंट ऑन एगरो जल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर डीएनए के सेगमेंट्स गिवन है, ठीक है। अब देखो डीएनए के सेगमेंट कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। अब देखो डीएनए का जो सेगमेंट है, इन्होंने बोला है कि जो पी है वो क्यू से स्मॉलर है, पी जो है वो क्यू से स्मॉलर है, इसका मतलब क्यू बड़ा हुआ, और जो क्यू है वो स्मॉलर है आर से, ठीक है। एंड देन बोला गया है कि आर इज ग्रेटर देन एस, ठीक है, आर है जो वो एस से बड़ा है, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा सेगमेंट हुआ, आर, क्योंकि आर देखो आर एस से भी बड़ा है, आर क्यू से भी बड़ा है, और क्यू तो ऑलरेडी बड़ा है पी से, इसका मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा सेगमेंट हुआ आर, देन यहाँ पे सेगमेंट हुआ एस, और फिर यहाँ पे जो सेगमेंट बड़ा होगा तो वो होगा क्यू, क्योंकि क्यू से भी छोटा कौन है यहाँ पे, पी। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा जो सेगमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, पी, ठीक है। पी इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट, स्मॉलेस्ट सेगमेंट कौन सा हुआ, पी, ठीक है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट सेगमेंट, देन सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा, क्यू, थर्ड नंबर पे आएगा एस, एंड देन फोर्थ नंबर पे आएगा आर, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेगमेंट जो है, लास्ट सेगमेंट है, वो है आर। अब देखो हमने क्या लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट के बेसिस पे सेपरेशन करती है, जिसके एक एंड पे हम क्या देखते हैं, कैथोड है, और कैथोड वाला जो एंड है वो नेगेटिव चार्ज है, और एनोड वाला जो एंड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम देखते हैं यहाँ पे वेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें डीएनए को लोड किया जाता है, ठीक है। अब देखो जितना स्मॉलेस्ट सेगमेंट होगा वो उतनी ही फास्ट मूव करेगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट पी है, ठीक है। एंड वी नो दैट कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज डीएनए किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैथोड के पास, और जितना स्मॉलेस्ट डीएनए होगा वो उतनी फास्ट मूव करेगा, तो हमें एनोड के पास कौन सा डीएनए मिलेगा, पी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट है। देन पी के बाद हमें कौन सा सेगमेंट मिलेगा, क्यू मिलेगा, क्योंकि जितना डीएनए हैवी होता जाएगा, ठीक है, उतना ही वो कम मूव कर पाएगा, तो क्यू मिलेगा, पी के बाद हमें मिलेगा क्यू, ये आ गया क्यू, ठीक है। क्यू के बाद हमें क्या मिलेगा, आर सेगमेंट मिलेगा, क्यू के बाद हमें एस मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है, एस, ठीक है, सबसे बड़ा इन द सेंस किससे बड़ा, क्यू से बड़ा, ठीक है, ये हो गया एस सेगमेंट। एस के बाद हमें क्या मिलेगा, सबसे लार्जेस्ट जो सेगमेंट है दैट इज द आर, वो सबसे कम मूव करेगा और वो कैथोड की ओर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेगमेंट होगा सबसे, दैट इज आर, और वो किसके पास प्रेजेंट होगा, कैथोड के पास। अब देखिए अगर हम सीक्वेंस देखें, हमें सीक्वेंस में क्या बताना है, कैथोड टू एनोड सीक्वेंस, तो कैथोड की ओर क्या प्रेजेंट है, आर, आर के बाद एस, एस के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, ठीक है। सो इट इज द सीक्वेंस फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट। तो यहां पे देखो आर एस क्यू पी, सो हेयर ओनली ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।